कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के अगली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर किया था। नहीं, जनवरी फरवरी तक के हो गए थे, जनवरी तक हुआ था। आज हमें दिसंबर करंट अफेयर्स को करना है, ठीक है। तो आज हम दिसंबर करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो आपके पास वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, और वो लिंक एक व्हाट्सएप ग्रुप का है, ठीक है। तो जो मेरे साथ ऑलरेडी विभिन्न ग्रुप में ऐड हैं, वो लोग इसको ऐड ना करें, लेकिन जो ऐड नहीं है वो मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को अपने आप को जोड़ लें और आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएं, क्लियर। तो हम चलो शुरुआत करते हैं आज अपना दिसंबर की करंट अफेयर्स को लेकर के, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे अपना वही राष्ट्रीय घटनाक्रम। सबसे पहले नेशनल हम पढ़ रहे हैं दिसंबर 2019, और सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा बच्चा, राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें बात करूंगा आप लोगों से 126वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये जो बच्चा संविधान संशोधन है, ये आपका कोई करंट अफेयर्स का तो है ही, लेकिन अभी आपको करंट अफेयर्स लग रहा है, लेकिन ये प्रॉपर पॉलिटी का भी है। तो आज आप इसको अपने जो आपके पॉलिटी के नोट्स हैं, आप उसको वहाँ इसको मेंटेन कर देना, नोट्स में डाल देना, जहाँ संविधान संशोधन आपके बहुत सारे होंगे आपके लिखे हुए, तो उसी लिस्ट में आप इसको ऐड कर देना। ये अगले कई साल तक, यानी कि अगले 5, 6, 7, 8 साल तक लगातार कंटिन्यू विभिन्न एग्जाम में पूछा जाएगा, क्लियर। तो अगर हम इसकी बात करें, 126वां संविधान संशोधन जो करा गया है, तो ये कहा, क्या कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं आपका, ये संसद में पारित हुआ था, संसद इन लोकसभा और आपका राज्यसभा में गया था। लोकसभा द्वारा इसको 10 दिसंबर में पारित पास कर दिया गया था, और वहीं आपकी राज्यसभा द्वारा इसको 12 दिसंबर में पास किया गया था, क्लियर। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, तो इसके उद्देश्य समानता तीन है, मैं समझा लिख दे रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा। इसका पहला उद्देश्य ये है बच्चा कि जो लोकसभा है उसमें एससी एंड एसटी को आरक्षण, ठीक है, प्रदान करना। और इसके द्वारा जो लोकसभा में एससी एसटी को जो आरक्षण है वो आपका 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो राज्य की विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा में भी एससी एंड एसटी के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और तीसरा, जो आप जानते थे ना, आपने पढ़ा होगा पहले से कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेट करता है, तो वो जो 2 सदस्यों का मनोनयन था वो भी हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता था। तो इस बार 126वें संविधान संशोधन में है ना, उसको 10 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया है, यानी कि अब आगे से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंग्लो इंडियन, ठीक है, सदस्यों का मनोनयन समाप्त, या उनको मनोनीत करने की प्रथा जो थी राष्ट्रपति द्वारा जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। अब लोकसभा में 2 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा जो एंग्लो इंडियन समुदाय से बिलोंग करते थे, क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आगे बच्चा, ये कब तक प्रभावी रहेगा, मतलब ये कब तक रहेगा प्रभावी, तो ये रहेगा आपका 25 जनवरी 2030 तक बच्चा ये प्रभावी रहेगा, क्लियर। तो ये 25 जनवरी 2030 तक प्रभावी रहेगा। आगे इसके बारे में और बात करें, ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसके विषय में। और मैं आपको दो तीन बातें ऐसी बता दूं, एक आर्टिकल आप चाहो तो याद कर लेना, आर्टिकल 331, आर्टिकल 333 और एक आर्टिकल 334। आर्टिकल 331 जो है लोकसभा में, ठीक है, एंग्लो इंडियन से संबंधित है। 333 जो आर्टिकल है वो राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन से संबंधित है, और 334 जो है वो एससी एसटी इनको है ना लोकसभा में रिजर्वेशन देने की बात करता है, क्लियर। तो इन आर्टिकल को याद रखना, 331, 333 और 334। चलो आगे बात करें, ये हो गया, दैट्स गुड। तो आगे हम बात करें बच्चा उसकी, दादर व नागर हवेली की। आपको पता है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कितनी है, 9। लेकिन अब जो हुआ है आपका दिसंबर में है ना, अब चेंजेस कर दिए गए हैं, और अब वर्तमान में जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं अब कितने बचे हैं, 8। तो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं बच्चा, 8 हैं।
तो नया जो बनाया गया है मिक्स करके, उसका नाम है दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, दमन एवं दीव। अब एक ही नया बना है, पहले ये अलग-अलग थे, अब इनको मिलाकर के एक कर दिया गया। क्लियर? तो ये हो गया है। ये प्रभावी कब से हुआ है? तो ये प्रभावी हुआ है बच्चा 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हो गया है। क्लियर? और इसका जो प्रस्ताव था, ठीक है, इसका जो प्रस्ताव था वो दिसंबर 2019 में लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था, और वहीं आपके जो राष्ट्रपति हैं, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा इसको जो अनुमति दी गई थी वो आपका 9 दिसंबर को दी गई है 2019। ये डेट आपसे पूछ सकता है किस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा इसको परमिशन दी गई है, क्योंकि जब 2014 में आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला जो अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश बना था, तो उस वर्ष पूछा गया था कि तेलंगाना किस तिथि को राष्ट्रपति ने उस पर साइन करे थे। क्लियर? तो ये आपसे पूछ सकता है। इस यूटी में आपका 2 लोकसभा सीट होंगी अब आगे से, ठीक है, और आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे, कुल मिलाकर के 3 इसमें जिले होंगे। ये तो आप जानते हो, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव, ये तो मैंने आपको पढ़ाई भी मॉडर्न हिस्ट्री में। ये दोनों किसके उपनिवेश रहे हैं? आपके पुर्तगालियों के। क्लियर? यहाँ तक हो गया। और इसके विषय में दो चार बातें, तो एक और है कि इसका जो हाईकोर्ट रहेगा आपका, वैसे पॉलिटिकल प्रश्न है, इसका जो हाईकोर्ट होगा वो कौन सा होगा? बम्बई हाईकोर्ट। दादर व नागर हवेली के दमन व दीव का जो हाईकोर्ट कौन सा होगा? बम्बई हाईकोर्ट इसका लगेगा। मतलब यहाँ के जो कार्य करेगा बम्बई हाईकोर्ट द्वारा किए जाएंगे। क्लियर? चलो आगे बात करें बच्चा, नेक्स्ट। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं रीसेट 2VR1 की। रीसेट 2VR1 की हम बात करने जा रहे हैं। रीसेट 2VR1 फर्स्ट, ये क्या है? एक भारत का उपग्रह है, ठीक है। ये भारत का क्या बच्चा? उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण किया गया था दिसंबर में, ठीक है। तो इसका प्रक्षेपण कब हुआ है आपका? प्रक्षेपण इसका हुआ है दिसंबर 2019, आई थिंक 11 दिसंबर को इसका प्रक्षेपण किया गया था। क्लियर? चलो आगे बात करें। तो इसका फुल फॉर्म देखें क्या है? इसके फुल फॉर्म है रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका प्रक्षेपण किया गया है। अब आपसे पूछेगा किसके द्वारा, मतलब किस कौन सी व्हीकल था जिसके द्वारा करा गया? तो उसको व्हीकल का नाम था PSLV C-48 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर? और ये PSLV C-48 जो है, ये इसरो की PSLV के तहत 50वीं उड़ान थी। कौन सी उड़ान थी? 50वीं उड़ान थी। देखो PSLV की 2 उड़ान असफल रही थी, इसलिए जो सफल हैं वो कितनी है? 48। तो इसलिए इसका नाम हो गया PSLV C-48। और 2 असफल रही थी, कुल मिला के 2 48 और 2 कितनी हो गई? 50। तो 50वीं उड़ान थी, 50 में 2 असफल रही हैं प्रारंभिक, है ना। इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्लियर? चलो और इसके विषय में आपको बताऊँ कहाँ से हुआ होगा। आप तो ये पता ही है कि कहाँ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर? और इसके विषय में ये जो आपका हमारे लिए क्या उपलब्ध कराएगा? हमारे लिए बहुत सारे आंकड़े देगा, डाटा देगा, जो हमारे कृषि से, वानिकी से, मृदा से, और हमारी तटीय सीमा जो कोस्टल एरिया है हमारी, वहाँ से संबंधित हमें आंकड़े देगा। क्लियर? चलो और इसके विषय में बताऊँ मैं आपको, जब भारत ने PSLV C-48 के रिसेट को भेजा था, तो कुल मिलाकर के इसके साथ रिसेट सहित कुल मिलाकर के 10 उपग्रह भेजे गए थे, जिसमें से जो 9 थे एक यूएसए का था, यूएसए के बच्चा 6 थे, एक आपका जापान का था, एक आपका इटली का था, और एक आपका इजराइल का था। इजराइल कुल मिलाकर 6 3 9 ये हो गए, 6 3 9 और एक ये आपके 10। तो कुल मिलाकर के 10 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C-48 के द्वारा। क्लियर? चलो आगे बात करें हम। तो आगे बात करते हैं हम बच्चा QRSAM, क्विक रिएक्शन, है ना, सरफेस टू एयर मिसाइल। QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भारत की मिसाइल है, ठीक है। और इसका जो विकसित किया गया है, इसको DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको विकसित किया गया है, और इसका प्रक्षेपण किया गया था दिसंबर में, तो वो चांदीपुर से किया गया है, ठीक है। चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज कहाँ पर है? चांदीपुर बिहलर द्वीप ओडिशा में, वहाँ से इसको मिसाइल को
प्रक्षेपित किया गया था, मतलब इसको जांचा गया था, चेक किया गया था, टेस्टिंग की गई थी इसकी। क्लियर। चलो आगे बात करें बच्चों, तो बहुत चर्चा में रहता है, आपने पढ़ा होगा CA, NRC, NPA, है ना, उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम CAA की। CAA तो ये तो आप जानते हो क्या है, आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अर्थात नागरिकता संशोधन विधेयक है आपका, इसकी बात करने हम लोग जा रहे हैं बच्चा। तो इसको जो संसद ने पारित किया था, अगर पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में आपका लोकसभा, देन आपका राज्यसभा। क्लियर। तो लोकसभा ने इसको जो पारित करा था वो 9 दिसंबर को करा था, और वहीं आपका राज्यसभा ने जो पारित करा था उसको 11 दिसंबर को पारित करा था। अगर वहीं बात करें राष्ट्रपति की, भारतीय राष्ट्रपति ने इसको परमिशन कब दी थी, तो बच्चा 12 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रपति द्वारा इसको परमिशन दे दी गई थी। क्लियर। दूसरा, ये संशोधन CAA कहाँ पर किया गया था, तो आपको पता होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया संशोधन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया संशोधन था। क्लियर। ये जो था आई थिंक इसमें 7वां संशोधन है, कुल मिलाकर के ये 7वां संशोधन किया गया इस बार। क्लियर। आगे बात करें तो चलो, है ना, इसमें शर्तें थी बच्चा वो ये थी कि 3 देश के लोग, कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश BD और आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के नागरिक अगर आपका 31 दिसंबर 2014, इसमें यह प्रावधान करा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के नागरिक अगर 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में आकर के रहने लगे हैं तो उनको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर। तो डेट याद रखना, 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो लोग भारत में आकर के रह चुके हैं उनके लिए नागरिकता प्रदान की जाएगी। कंडीशन 2 थी, एक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अफगानिस्तान से आए हों, पहली कंडीशन ये, और दूसरी कंडीशन वो कुछ विशेष धर्म से ही संबंधित हो, उन लोगों को ही भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो फिर बात आती है बच्चा कि CAA के तहत, है ना, किन धर्म से संबंधित लोगों को भारत में एंट्री दी जाएगी, तो वो 6 धर्म हैं आपके, कौन कौन से हैं, 6। एक आपका हिंदू, सबसे पहले हिंदू धर्म, फिर आपका सिख धर्म, फिर आपका बौद्ध धर्म, फिर आपका जैन धर्म, फिर आपका ईसाई धर्म, और फिर आपका बच्चा पारसी। तो इन 6 धर्म से अगर कोई संबंधित है और वो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में आ चुका है और वन 3 देशों रिलेटेड है तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर। अच्छा, ये CA कहाँ लागू नहीं होगा, CA कहाँ पर लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा, तो आपको पता है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख है, कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो आपको मैं बता दूं कि इन 4 राज्यों में CAA लागू नहीं होगा। तो पूछ सकता है आपसे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, आई थिंक इस बार 2019 में पूछा गया था ये। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन 4 राज्यों में CAA लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कुछ और भी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश वगैरह के, वहाँ पर भी लागू नहीं होगा। क्लियर। चलो आगे बात करें बच्चा NRC की। NRC तो बात करते हैं हम लोग NRC की। ये तो आप जानते हैं NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, NRC, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके द्वारा क्या करा जाएगा, इसके द्वारा ये करा जाएगा कि उन लोगों की पहचान की जाएगी NRC के तहत कि जो भारत में अवैध तरीके से या गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी पहचान हो जाती है कि कोई व्यक्ति है और वो गलत तरीके से भारत में रह रहा है, तो उसके साथ 2 कार्य किए जाएंगे। पहला, जिस देश का है उसको उसी देश में वापस भेज दिया जाएगा। दूसरा, अगर संभव हुआ तो उसको भारत में नागरिकता प्रदान करके भारत में ही रहने की अनुमति दी जाएगी। तो आपका NRC में ये करा गया है, ठीक है। दूसरा बात करें बच्चा, तीसरा, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो इसके तहत क्या है, इसके तहत ये है आपका जो प्रॉपर तरीके से, बस इसमें NPR में ये करा गया है कि भारत में रहने वाले जो सामान्य निवासी हैं उनका हमें बस डाटा बेस
एकत्रित करना है, उनका डाटा तैयार करना है बस, इसके अलावा इसका उद्देश्य नहीं है। अर्थात इसमें यह बात की गई है कि NPR के तहत कोई भी व्यक्ति जो पिछले 6 माह से भारत में रह रहा है अथवा अगले 6 माह उसके रहने की अभी इच्छा है, तो उस व्यक्ति का रिकॉर्ड इसमें NPR में रखा जाएगा और NPR के लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर, लेट्स गुड। ठीक है, तो चलो अब बच्चा ये हो गया हमारा, यहाँ तक NPR हो गया, CA हो गया और आपका NRC हो गया। क्लियर, अब हम बात करते हैं आपका झारखंड जो राज्य है, तो झारखंड राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, कुल मिलाकर के 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ पर एक गठबंधन में सरकार बनी थी। गठबंधन में क्या बनी बच्चा, सरकार बनी थी। गठबंधन सरकार 3 लोगों ने मिलकर बनाई थी, एक तो झामुमो ने बनाई थी, झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पर, तीसरा बच्चा राजद राष्ट्रीय जनता दल। इन तीनों ने मिलाकर कुल मिलाकर के 47 सीटें प्राप्त करी थी और इनकी सरकार बनी। यहाँ पर जो CM बने हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। कौन बने हैं, हेमंत सोरेन, और ये बच्चा सेकंड टाइम है ना CM बने हैं यहाँ के। क्लियर, तो ये आपसे इतना ये तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ लेगा आपसे, ये तो अगर पूछ ले सकता है, पॉलिटिक पूछेगा आपसे कितनी सीटें, 81 सीटें हैं, पूछेगा झारखंड के CM जो हेमंत सोरेन है कौन सी बार बने हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो आपका आंसर होगा सेकंड टाइम। क्लियर, चलो आगे बढ़े हम यहाँ पर, डेट्स गुड। तो मैं आपको और आगे बताऊं बच्चा, अटल सुरंग, ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके विषय में, अटल टनल अथवा अटल सुरंग। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं, ये लंबाई कितनी है इसकी, तो बच्चा ये लंबाई है 8.8 किलोमीटर। ठीक है, ये है कहां पर, तो बच्चा आपका रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, उसके पास है, वहाँ पर है, उसमें दर्रे में बनी हुई है। और ये जो आपको रास्ता प्रदान करेगी बच्चा, ये मनाली से लेह आपको रास्ता प्रदान करेगी। क्लियर, तो पूछेगा आपसे अटल टनल किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में है। लंबाई कितनी है ये है, कहाँ से कहाँ तक के लिए, मनाली से लेह के लिए रास्ता प्रदान करेगी। क्लियर, ये हो गया, डेट्स गुड। ठीक है, अब मैं बात बच्चा आगे करता हूँ राष्ट्रीय घटनाक्रम में ही आपका CDS की, CDS चीफ डिफेंस स्टाफ। तो CDS चीफ डिफेंस स्टाफ, तो आप जानते हो कि भारतीय प्रथम जो CDS है वो कौन बनाए गए हैं, बिपिन रावत। इस पद पर जो इनका कार्यकाल होता है, मतलब कोई व्यक्ति CDS बनेगा तो 65 वर्ष की आयु तक अधिकतम अपने पद पर रह सकता है। क्लियर, दूसरी बात, ये जो पद है ये 4 स्टार है, 4 स्टार एक डेजिनेशन है, पद है। दूसरी बात, जो CDS पद है, ये तीनों सेनाएं हमारी, थल सेना, वायुसेना और आपका थल सेना, वायुसेना और नेवी जो हमारी है, जल सेना, उन तीनों में सबसे प्रमुख कौन होंगे, हमारे CDS बिपिन रावत हैं। क्लियर, दूसरी बात, जो भारतीय रक्षा मंत्री होते हैं उनके ये वरिष्ठ यानी कि सब मुख्य है ना सलाहकार होते हैं आपके सैनिक मामलों के या रक्षा मामलों के। क्लियर, दूसरी बात, इनके विषय में ये पद जो सृजित हुआ है CDS का, तो ये बच्चा 1 जनवरी 2020 से ये पद क्या हुआ है, सृजित हुआ है। क्लियर, और इनके विषय में मैं आपको बताऊँ CDS के बारे में, इतना ही काफ़ी है। क्लियर, ठीक है, अब हम आगे बढ़ें और डेट्स गुड। आगे हम बात करते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, DMA, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की बात करें, तो डिपार्टमेंट का मतलब हो गया विभाग, एक विभाग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये विभाग जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना की गई है, तो वो किसकी की गई है बच्चा, DMA की गई है। क्लियर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की बात की गई है, रक्षा मंत्रालय के अधीन होगा, सैनिक मामलों का विभाग। क्लियर, नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने सुना होगा MiG-27, तो MiG-27 भारत का फाइटर विमान है। अब इसको भारतीय वायुसेना से इसको विदाई दे दी गई है, अब इसकी सेवाएं भारतीय वायुसेना में नहीं ली जाएंगी, रिटायर कर दिया गया है इसको। क्लियर, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं 2020 जो ईयर है 2020 इसको 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
यानी कि 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किस सरकार ने की है? हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। और आपको ये तो पता ही होगा कि 25 दिसंबर जो होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है, और इसी उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? तो बच्चा ये हुआ हमारा आपका कहते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब हम बात करेंगे किसकी? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। क्लियर? चलो तो फिर बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसको ये हो गया हमारा राष्ट्रीय क्रम। अब बात करेंगे हम इंटरनेशनल, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय घटना। इंटरनेशनल से बात करें नाटो की, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो की हम बात करने जा रहे हैं। तो नाटो का अभी हाल ही में 30वां सम्मेलन हुआ था बच्चा। कौन सम्मेलन हुआ था? 30वां सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और ये जो हुआ था आपका दिसंबर में, 3 से 4 दिसंबर हुआ था, 3 to 4 दिसंबर हुआ था। तो आपसे पूछेगा 2019 में हुआ था, आपसे पूछेगा कहाँ हुआ था, तो मैं आपको बताऊँ स्थान जो था वाटफोर्ड। वाटफोर्ड जो है आपका लंदन के पास में है, ग्रेट ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में है, वहाँ पर हुआ है। इसके जो सदस्य हैं बच्चा कुल मिलाकर के 29 सदस्य हैं, 29 हैं। अभी इसका हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट किया गया, इसका 30वां सदस्य भी जोड़ा जाएगा, यानी कि वर्तमान में कितने हैं? 29। अब ऐड कौन सा करा जाएगा? 30वां सदस्य ऐड किया जाएगा, और उसका जो नाम होगा देश है नॉर्थ मैसीडोनिया। ये 30वां सदस्य जोड़ा जाएगा। क्लियर? तो ये याद, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। नाटो के बारे में इसका सम्मेलन पूछा जाता है, और ये महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा, इसका 30वां सदस्य कौन सा होगा? नॉर्थ मैसिडोनिया, ये भी आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। क्लियर? आगे बात करें हम नेक्स्ट, तो मैं आपको आगे बताऊं कि भारत और जापान तथा भारत और अमेरिका, है ना, एक वार्ता होती है 2+2 वार्ता। तो 2+2 वार्ता जो है भारत वर्तमान में 2 देशों के साथ कर रहा है, एक तो भारत प्लस USA और एक आपका भारत प्लस जापान। अभी हाल ही में दिसंबर में जो भारत प्लस USA की 2+2 वार्ता हुई है वो हुई है आपका वॉशिंगटन में, और भारत प्लस जापान की 2+2 जो वार्ता हुई है वो हुई है बच्चा नई दिल्ली में। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में 2+2 वार्ता भारत जापान के मध्य कहाँ संपन्न हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पर? नई दिल्ली। क्लियर? तो वॉशिंगटन हो गया, और ये आप इधर आपका नई दिल्ली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, 14वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ भारत प्लस चीन, इन दोनों देशों के मध्य सीमा वार्ता हुई है। क्या हुई है? सीमा वार्ता हुई है, और ये सीमा वार्ता कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई थी। क्लियर? तो भारत चीन के मध्य सीमा वार्ता कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। चलो आगे बात करें हम, ठीक है। तो बच्चा एक अभी हाल ही में विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ सर्वाधिक शक्तिशाली महिला, इनकी सूची जारी की गई है, और जो सूची जारी की है एक पत्रिका है, आप जानते हो फोर्स, इसके द्वारा इसको, ये पत्रिका है, अगर लिखा हुआ नहीं लग रहा सही तो एक बार देख लो, एरा फोर्स के द्वारा सूची जारी की गई है, ठीक है। ये जो है एक वाणिज्य पत्रिका है, कमर्शियल मैगजीन है, कहाँ की? USA की मैगजीन है, ये USA की मैगजीन है। क्लियर? इसने जो 100 लोगों की सूची, महिलाओं की सूची जारी की है, उसमें जो सबसे प्रथम स्थान पहला मिला है वो पहला दिया है एंजेला मार्केल को, ठीक है। और दूसरा जो स्थान है बच्चा वो दिया है इसने क्रिस्टीना लैगार्ड। ये कहाँ की है? जर्मनी की है। एंजेला मार्केल तो आप जानते हो जर्मनी की है, और क्रिस्टीना लैगार्ड जो है ये आपका फ्रांस की है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा, बस ये पूछेगा प्रथम स्थान किसको मिला है, या तो ये पूछेगा आपसे। अब यहाँ पर जो फेवरेट प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में
में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के भारत की चार महिला हैं जो इस सूची में क्या है बच्चा शामिल हैं। तो आपको उन चारों महिलाओं के नाम, उन चारों महिलाओं के रैंक कौन सी रैंक मिली है और उन चारों महिलाओं के क्षेत्र वो किस क्षेत्र संबंधित है वो आपको याद करना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आपको चार नाम दे रहा हूँ उन चारों के जो आपको याद करनी है, क्लियर। तो सबसे पहला जो नाम है बच्चा वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ये आपको जानते हैं, ये कौन है, भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनकी जो रैंक रही है वो 34 रैंक रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इन 100 महिलाओं की सूची में इनका कौन सा स्थान है बच्चा 34वां स्थान है, क्लियर। दूसरा जो नाम है, एक नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा, इनका जो स्थान है बच्चा 54वां स्थान है और इनको HCL, इनका संबंध है HCL एंटरप्राइजेस से इनका संबंध है, क्लियर। नेक्स्ट तीसरा जो नाम है फेमस वो है आपका किरण मजूमदार सौ, किरण मजूमदार सौ नाम है, इनका जो रैंक है बच्चा वो 65 है, इनकी रैंक 65 है और किरण मजूमदार सौ, और ये बायोकॉन से संबंधित हैं, बायोकॉन से संबंधित हैं। नेक्स्ट जो नाम है आपका चौथा जो फेमस नाम है उनका मैं आपको नाम बताऊं तो बच्चा वो है आपका रेणुका जगती यानी, रेणुका जगती यानी, इनकी जो रैंक है वो 96 है, कौन सी रैंक है इनकी 96। कुल मिलाकर के ये चार महिला रही हैं जो इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें जो अंतिम स्थान रहा है यानी कि 100वां स्थान जो दिया गया है वो दिया ग्रेटा थुनबर्ग, ये जो है बच्चा ये स्वीडन की रहने वाली है, कहाँ की, इसका 100वां स्थान मिला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण से संबंधित ग्रेटा थुनबर्ग, किस संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित ग्रेटा थुनबर्ग, क्लियर। तो यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट हम बात करें, चलो अब हम बात करते हैं मानव विकास रैंक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, क्लियर। एक मिनट जरा आप वेट करो, चलो बच्चा ठीक है कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, मानव विकास रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे ज़रूर, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो मानव विकास सूचकांक इसको जारी करता है वो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो बच्चा फर्स्ट स्थान मिला है, फर्स्ट जो रैंक मिली है वो देश है नार्वे को पहला स्थान मिला है, जबकि सेकंड जो स्थान मिला है इसमें वो मिला है आपका स्विट्जरलैंड को मिला है, स्विट्जरलैंड यूरोप का देश है। लास्ट जो पोजीशन रही है इसमें वो रही है आपके नाइजर, किसकी रही है, नाइजर, और नाइजर की पोजीशन क्या है 189 है। नेक्स्ट अगर भारत की बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत का स्थान 129वां रहा है, 129वां स्थान भारत का रहा है इस मानव विकास सूचकांक में। ये रिपोर्ट 2019 की है जो दिसंबर 2019 में प्रकाशित की गई थी, क्लियर। तो भारत का स्थान हो गया इसमें आपका 129वां, और इससे पहले 2018 में जो भारत का स्थान था, 2018 में भारत का स्थान 130वां था, यानी कि भारत का 2019 में एक रैंक क्या हो गई है, कम हो गई है, क्लियर। चलो आगे बढ़ें, तो ठीक है आगे देखते हैं हम लोग। एक विदेशी कहते हैं मेहमान आए थे भारत में, उनका नाम है आपका कार्ल सिक्स्ट सिक्सटीन गुस्ताफ, कार्ल सिक्सटीन गुस्ताफ ये भारत में आए थे। तो ये हैं कौन, ये स्वीडन जो देश है, स्वीडन नरेश हैं, स्वीडन के शासक हैं, ये भारतीय यात्रा पर रहे थे 2 से 6 दिसंबर को, और यह ना ये भारतीय यात्रा पर रहे थे। बस पूछेगा आपसे कार्ल सिक्सटीन गुस्ताफ का संबंध किस देश से है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन नरेश, क्लियर। ठीक है आगे हम बात करें, तो मैं आपको बताऊं आगे एक बोगेनविले बहुत ज़्यादा फेमस आइलैंड रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था बोगेनविले,
ठीक है, तो ये चर्चा में रहा था आपका वोगेन विले। वोगेन विले कौन है? तो वोगेन विले एक द्वीप का नाम है, ठीक है, यहाँ पर द्वीप है, आपने एक देश है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी का एक आइलैंड है ना, कौन सा आपका? बोगेन विले। तो ये पापुआ न्यू गिनी से अलग होना चाह रहा था, तो यहाँ पर मतदान कराया गया था अलग होने के लिए। तो यहाँ के लोगों ने मतदान किया था मैक्सिमम से मैक्सिमम उससे अलग होने के लिए पापुआ न्यू गिनी से। तो ये अब आगे से एक अलग कंट्री बनेगा, क्या कहते हैं आपका? बोगेन विले। क्लियर, चलो आगे देखें। तो बच्चा अभी हाल फिलहाल में COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP25 का आयोजन हुआ था, इसका सम्मेलन हुआ था आयोजन। तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चा? इसका सम्मेलन हुआ था आपका मैड्रिड। मैड्रिड, मैड्रिड कहाँ पर है? ये स्पेन की राजधानी है। कहाँ पर हुआ था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और ये हुआ था आपका 2 से 15 दिसंबर, 2 से 15 दिसंबर के बीच में ये हुआ था। लेकिन बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसकी जो बच्चा अध्यक्षता की थी, वो किस देश ने की थी? चिली ने। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में ये जो सम्मेलन था वो चिली में ही होना था, लेकिन वहाँ पर कुछ विद्रोह हो गया था, वहाँ पर लोग जो थे सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ, तो इसलिए इसको मना करा दिया कराने से चिली ने। तो फिर ये कहाँ पर कराया गया? मैड्रिड में कराया गया, स्पेन में। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वो किसने करी थी? चिली ने ही की थी। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय जो नेतृत्व किया था यहाँ पर COP25 में, वो भारतीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने COP25 में भारत को रिप्रेजेंट किया था। क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, जो आगामी COP26 होगा, 25 हो गया, अब जो 26वां होगा नवंबर 2020 में होना है। और ये जो बच्चा होगा ये ग्लासगो में होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो। और ग्लासगो कहाँ पर है? तो आप जानते हो ये कहाँ पर? आपका स्कॉटलैंड। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? इसको अच्छे से याद कर लेना, ये 26वां कहाँ होगा, 25वां यहाँ पर हो रहा है, 26वां कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। क्लियर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, बोरिस जॉनसन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो अक्सर नाम आता रहता है बोरिस जॉनसन। तो मैं बात करूँ आपसे बोरिस जॉनसन की, बोरिस जॉनसन जो है बच्चा, बोरिस जॉनसन जो है आपके ब्रिटेन के पीएम है, ब्रिटेन के पीएम है ना। और एक खास बात यह कि बोरिस जॉनसन लगातार दूसरी बार सेकेंड टाइम ब्रिटेन के पीएम बनाए गए हैं, बने हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और जब ये बोरिस जॉनसन पीएम बने थे तो इन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में तीन भारतीयों को शामिल करा है। उनके नाम मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, चाहो तो आप याद कर लेना। एक है प्रीति पटेल, एक का नाम क्या है? प्रीति पटेल। इनको जो प्रीति पटेल है, इनको होम सेक्रेटरी बनाया गया है, अर्थात गृह सचिव बनाया गया है। दूसरा एक है आलोक शर्मा, इनको इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी बनाया गया है। एक है ऋषि सुनाक, इनको चीफ सेक्रेटरी टू ट्रेजरी बनाया गया है। क्लियर, तो ये तीन शामिल किए गए थे, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ ऐसे ही, आप नाम सुना प्रबंध जगन्नाथ, ये मैं आपको बता चुका हूँ इनके विषय में लास्ट वीडियो में, प्रबंध जगन्नाथ। तो प्रवीण जगन्नाथ जो है ये मॉरिशस के पीएम है, कहाँ के पीएम है? मॉरिशस के पीएम है। और ये मतलब क्या कहते हैं, भारतीय यात्रा पर रहे थे अभी हाल फिलहाल में 4 से 6 दिसंबर, तो इसलिए चर्चा में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, एक और है बच्चा, इनका नाम याद करना आपको, लियो बराडकर। तो लियो बराडकर कौन है? लियो बराडकर एक देश है आयरलैंड, एक देश क्या है? आयरलैंड। तो लियो बराडकर आयरलैंड के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भारत में न्यू ईयर मनाने आए थे गोवा में। क्लियर, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल। अब हम बात करेंगे बच्चा किसकी, आर्थिकी यानी इकोनॉमी की। तो ये हो गया नेशनल के बाद इंटरनेशनल, और अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की या आर्थिकी। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिकी में बच्चा, राष्ट्रीय पेंशन योजना की।
इसका जो पूर्व नाम था, इसका जो पहले नाम था राष्ट्रीय पेंशन योजना का, वो था बच्चा प्रधानमंत्री लघु व्यापार, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। तो पूर्व नाम था प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, अब इसका नाम हो गया है राष्ट्रीय पेंशन योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी बच्चा, वो आपका सितंबर 2019 में इसको शुरुआत किया गया था राष्ट्रीय पेंशन योजना को, ठीक है। दूसरी बात इसके विषय में, इसके जो लाभार्थी होंगे, मतलब इसका लाभ कौन कौन ले सकता है, तो इसके लाभार्थी तीन कैटेगरी के लोग ले सकते हैं। पहला कौन, एक तो लघु व्यापारी, जो छोटे व्यापारी हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, इसके दुकानदार जो होते हैं, दुकानदार वो इसका लाभ ले सकते हैं। तीसरा, जो स्वरोजगार है, जिनका अपने स्वयं से रोजगार जीवन यापन कर रहे हैं, वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो तीन तरह के लोग इसका लाभ लेंगे, लघु व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगार, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताएं, प्रारंभ हो गया इसका जो मतलब इसके लाभार्थी जो शर्तें हैं, कंडीशन क्या क्या है बच्चा, इसकी कंडीशन ये है। पहली बात, अगर मैं आयु की बात करूं, तो एक तो इसमें 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को ही शामिल कराया जाएगा, अर्थात जो 18 से 40 वर्ष की आयु के मध्य है वही इसमें शामिल हो सकता है राष्ट्रीय पेंशन योजना में। दूसरा बच्चा, उसका जो वार्षिक टर्नओवर है व्यापार का, वो 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, 1.5 करोड़ से अधिक ना हो, रुपए की बात कर रहा हूँ। और तीसरा, वो व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं भरता हो, ठीक है, वो व्यक्ति आयकरदाता ना हो। क्लियर, ये तीन शर्तें हैं, क्लियर समझ में आ गई बात। आगे बात करूँ, मैं इसी में बात कर रहा हूँ, इसी योजना की बात कर रहा हूँ। तो इस योजना में जो है, अगर मान लो कोई व्यक्ति 18 साल से अधिक का है, तो वो मंथली अगर वो 55 रुपये प्रति माह जमा करेगा। अगर कोई व्यक्ति 29 वर्ष का है तो मंथली 100 रुपये जमा करेगा। अगर वो 40 वर्ष का है तो मंथली 200 रुपये प्रति माह जमा करेगा, ठीक है। और ये कब तक जमा करेगा, ये बच्चा 60 वर्ष की आयु तक जमा करेगा। यानी कि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति जमा करना शुरू करता है, 40 साल की आयु में उसने इसमें भाग लिया राष्ट्रीय पेंशन योजना में, तो अगले 20 साल तक वो जमा करेगा 60 वर्ष तक। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में इसमें शामिल होता है, तो 18 दो 20 दो साल लिए, 18 दो 20 और आपका 40, तो वो 42 साल तक जमा करेगा 60 वर्ष की आयु तक, और 29 है तो इस प्रकार से 60 वर्ष तक, ठीक है। और जब 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद सरकार उसको 3,000 रुपये प्रति माह की हिसाब से उसको रिटर्न करेगी, तो पेंशन बन जाएगी उसकी। जब तक वो जिएगा तब तक वो 3,000 रुपये प्रति माह प्राप्त करेगा सरकार से, क्लियर। तो ये बच्चा इसकी है, और इसमें जो सहयोग कर रही है वह LIC सहयोग कर रही है, ठीक है। LIC क्या कर रही है बच्चे, इसमें सहयोग कर रही है, LIC सहयोग कर रही है, क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, महात्मा ज्योतिबा फूले योजना, तो आपको उसको याद रखना है, महात्मा ज्योतिबा फूले योजना। तो ये योजना कहाँ की है बच्चा, तो ये योजना है आपके महाराष्ट्र सरकार की, क्लियर। इसमें है क्या, तो इसमें ये है महात्मा ज्योतिबा फूले योजना में, अगर कोई व्यक्ति किसान है और उसने 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है, तो सरकार द्वारा उसको 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कहाँ की योजना है, तो महाराष्ट्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप इसको बढ़िया से तैयारी भी करना है। एक इंडेक्स दे रहा हूँ मैं आपको, जितने भी इंडेक्स मैं आपको करा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, सतत विकास सूचकांक SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो रिपोर्ट है बच्चा आपकी 2019 की रिपोर्ट है, ठीक है। इसको जो तैयार किया गया है, इसको तैयार किया है तो भारत के नीति आयोग ने, नीति आयोग द्वारा इसको तैयार किया गया है, क्लियर। आप जानते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, कुल कितने गोल्स हैं, 17। इनके विषय में कभी आप पर्यावरण एनवायरनमेंट में जानोगे, जब आप एनवायरनमेंट पढ़ते होगे तो वहाँ पर आपको ये पढ़ाया जाता है टॉपिक, SDG के विषय में पढ़ाते हैं। और आई थिंक इस बार 2019 के PCS में इससे तीन प्रश्न आए थे केवल SDG से ही, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्लियर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, इसमें जो सूचकांक है, इसमें प्रथम स्थान जो मिला है बच्चा, तो प्रथम स्थान मिला है केरल को, भारतीय राज्यों के संदर्भ में ही सूची है। और जो अंतिम स्थान मिला है बच्चा, वो अंतिम स्थान मिला है इसमें बिहार को। और जो केंद्र शासित प्रदेश UT में जो प्रथम स्थान है, वो प्रथम स्थान है चंडीगढ़ का। तो UT में प्रथम स्थान किसका है, चंडीगढ़ का। राज्यों में प्रथम स्थान किसका है, केरला का। अंतिम स्थान किसका केरल राज्यों में, बिहार का। तो इसको आप थोड़ा याद कर लेना, क्लियर। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है बहुत ज़्यादा।
क्लियर। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगले कम से कम 2 वर्ष तक आपको ये हेल्प करेगी। जो रिपोर्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, यानी कि ये रिपोर्ट आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगी, इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करेगी और अन्य क्षेत्रों में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपकी वन स्थिति रिपोर्ट, भारत में वनों की स्थिति क्या है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ठीक है। तो दिसंबर से पहले मैंने जिनको ज्योग्राफी पढ़ाया हो ऑफलाइन बैचेज में, अगर वो वीडियो देख रहे हैं ना, तो अपने ज्योग्राफी के नोट्स में भी इसको अपडेट कर लेना, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को, ठीक है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, वैसे करंट अफेयर्स मैंने आपको ऑफलाइन में कराया होगा, लेकिन फिर भी एक बार अपने नोट्स में अपडेट कर लेना इसको। ये कम से कम आपका 19 की रिपोर्ट है, तो 2 वर्ष तो कम से कम आपकी काम करेगी, क्लियर। तो उसके डाटा आपको हमेशा याद रखने हैं, और ये विभिन्न एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आता रहता है, चाहे वो आप यूपी टेट होता है ना, सुपर टेट जो होता है यूपी में, वो हो चाहे अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो, हर किसी में पूछता है इसको, तो क्लियर। तो बच्चे ये जारी की गई है 31 दिसंबर को, जारी की गई है 2019 को रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार भारत में कुल टोटल जो वन क्षेत्र हैं वो वन क्षेत्र कितने पर हैं, तो 712,249 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वन है। और ये जो 712,249 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भारत का कुल कितना है, 21.67%, यानी कि भारत की कुल भूमि पर 21.67% क्या है, वन क्षेत्र है। मेरी बात समझना, यहाँ वन क्षेत्र बड़ी यूज करा है, वन क्षेत्र। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के है ना, इतना क्षेत्रफल है 712,249 किलोमीटर स्क्वायर, और ये कितना है, 21.67% है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.67% पर क्या है, आपके वन क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ आच्छादित वन की, आच्छादित वन तो ये हो गया वृक्ष, पेड़ पौधे जो होते हैं, आच्छादित वृक्ष की बात करूँ, तो बच्चा ये 95027 किलोमीटर स्क्वायर है, और ये अपने आप में जो प्रतिशत है वो 2.89% है। अगर मैं बात करूँ कुल टोटल की, तो 21.67 प्लस 2.89 कुल मिला के हो जाएगा आपका टोटल, इसको याद रखना स्पेशली, 24.56%। तो आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछे भारत में कुल वन क्षेत्र कितने प्रतिशत हैं, हमेशा ये प्रतिशत में पूछा जाता है, ये डाटा नहीं पूछा जाएगा, ये आपका प्रतिशत में ही पूछा जाएगा, हमेशा प्रतिशत में ही पूछा गया है अभी तक। तो पूछे कुल वन क्षेत्र कितने, 21.67, आपसे पूछे आच्छादित वृक्ष कितने हैं, तो 2.89, और आपसे पूछे टोटल कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 24.56% हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इसको आगे बढ़ाऊँ, वन रिपोर्ट को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ बच्चा, तो आगे देखो आप इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बार बार कहूँगा मैं आपसे, ये आपका बीओ में भी काम करेगी, पीसीएस में भी काम करेगी, और जो आप रेलवे वगैरह कुछ दे रहे हो उसमें भी काम करेगी, सुपर टेट में भी काम करेगी, रिपोर्ट सब में काम करेगी, क्लियर बच्चा। तो जो वृद्धि हुई है वृद्धि किसमें, टोटल ओवरऑल वन में और वृक्ष आच्छादित दोनों में, कुल मिलाकर जो वृद्धि हुई है 0.65% भारत में क्या हुई है बच्चा, वृद्धि हुई है, क्लियर। नेक्स्ट, सर्वाधिक जो वन क्षेत्र हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वो कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में है, और सेकंड जो स्थान है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे पूछे सर्वाधिक सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, उसके बाद सेकंड पोजीशन किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। अब आपसे पूछे, ये तो हो गया, अब पूछेगा प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। तो बच्चा आपका आंसर होगा मिजोरम। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वो कहाँ पर है, अरुणाचल मिजोरम में, क्लियर। नेक्स्ट, अगर पूछे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। क्या आंसर होगा बच्चा, कर्नाटक। और पूछे सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पर सर्वाधिक कमी हुई है, जिसमें प्रमुख कारण झूमिंग कृषि भी है ना, झूमिंग कृषि आप जानते हो ना, तो झूमिंग कृषि इसका कमी का कारण भी है, क्लियर। नेक्स्ट, मैं यहीं पर बता रहा हूँ आपको, विश्व में जो भारत का स्थान है वन के मामलों में, वन के क्षेत्र के मामले में 10वां स्थान है, कौन सी पोजीशन है, 10th पोजीशन है, और प्रथम स्थान जो है बच्चा वो आपका किसका है, रूस का है, विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पर, रूस में, सेकंड कहाँ पर है, ब्राज़ील में, क्लियर। नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़ा रहा हूँ, वन रिपोर्ट 2019 में ही
फिर मैं वो कहूँगा ज्योग्राफी जो पढ़ाया है मैंने, वहाँ पर वनस्पतियाँ पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैंने आपको मैंग्रोव वनस्पति पढ़ाई होंगी बच्चों, मैंग्रोव वनस्पति। तो इस डाटा को वहाँ पर आप ऐड कर लेना, अपडेट हो गया ये डाटा भी। तो मैंग्रोव वनस्पति की हम बात कर रहे हैं इसी रिपोर्ट में, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। तो मैंग्रोव वनस्पति आप जानते हो क्या होता है, प्रमुख तौर पर चक्रवात वगैरह से हमें बचाती है। लंबा टॉपिक है, मैं उस पर डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा। मैंग्रोव वनस्पति क्या है वो आप अच्छे से जानते हो, नहीं जानते ज्योग्राफी में आप मुझसे पढ़ाऊंगे तो पता होगा। फिलहाल मैंग्रोव वनस्पति तो मैं आपको बताऊं, ये जो है कुल 4975 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर भारत में है, और ये जो अपने आप में कितना है, भारत का 2 इतना प्रतिशत है, 0.15% है ये कुल, ठीक है। और जो सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति है बच्चा, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो नंबर स्थान पहला है वो फर्स्ट पोजीशन है आपकी किसकी, वेस्ट बंगाल की। सेकंड पोजीशन किसकी है, गुजरात की। और तीसरी पोजीशन किसकी है, तो महाराष्ट्र की, सॉरी तीसरी पोजीशन है अंडमान एंड निकोबार की। तो पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान एंड निकोबार। क्लियर, इस पोजीशन को याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है। और इस बार जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो गुजरात में हुई है, मैंग्रोव वनस्पति में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है ये कहाँ पर सर्वाधिक हुई है आपका, इसमें वृद्धि कहाँ पर हुई सर्वाधिक आपका, तो गुजरात राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। क्लियर, तो बच्चा ये हो गया हमारा आर्थिकी वाला सेक्शन। अब हम बात करेंगे नवीनतम सामान्य ज्ञान की, मतलब लेटेस्ट नियुक्ति वगैरह, लेटेस्ट पुरस्कार कोई दिया गया है तो वो सब हम जानेंगे। क्लियर, तो हमारा टॉपिक हो गया नवीनतम सामान्य ज्ञान, यानी कि हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए, नेशनल कवर करा, इंटरनेशनल कवर करा, और तीसरा हमने आर्थिकी कवर किया, ठीक है। तो बच्चा आज जो वीडियो आपके पास मैंने बताया था, अभी आपको लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप वहाँ पर क्लिक कर देना, वहाँ पर आपको जो लिंक मिलेगा उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे ना, तो आपको ये फरवरी का, जनवरी का और आपका ये क्या कहते हैं दिसंबर का करंट अफेयर्स, तीनों ही करंट अफेयर्स की PDF मैं आपको बना करके उसमें दे दूंगा। क्लियर, और दूसरी बात, जैसे ही हमारा BO वाला करंट अफेयर्स कवर होगा, जैसे कवर होने जा रहा है अभी ये तीसरी वीडियो है, आपको 3 वीडियोस पर मैं आपको और दूंगा BO के स्पेशली, बैक टू बैक दूंगा, दिसंबर, फिर नवंबर, अक्टूबर और सितंबर तक की, ठीक है। उसके बाद हम लोग तुरंत एंट्री करेंगे मार्च से, मतलब फिर फरवरी तक कवर हो गया ना हमारा, अब मार्च से PCS के लिए स्पेशली फोकस करके आपको करंट अफेयर्स में आगे बढ़ाऊंगा, यानी कि फरवरी तक मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कंटिन्यू कर देंगे। क्लियर, तो समझ में आ रही बात ना, और पूरा करंट अफेयर दिसंबर तक लेके जाएंगे, मतलब करंट अफेयर रेगुलर अब आपको मिलती रहेगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। नवीनतम सामान्य ज्ञान में आपको बात करूं तो एक महिला का नाम है बच्चा उर्सुला वॉन डेर लेयन, उर्सुला वॉन डेर लेयन। तो ये जो है ये कहाँ की रहने वाली है, ये बच्चा बेल्जियम की रहने वाली है, बेल्जियम की रहने वाली हैं, और ये चर्चा में क्यों हैं, तो ये एक आयोग होता है, यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन होता है, यूरोपियन आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में ये बनी है दिसंबर में। तो ये आपसे पूछ सकता है, इसको स्पेशली याद रखना, उर्सुला वॉन डेर लेयन रहने वाली कहाँ की, बेल्जियम की, यूरोपियन आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष को बनाया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्लियर, नेक्स्ट आपने नाम सुना होगा मनोज मुकुंद नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, ये भारत के कौन है, थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। नेक्स्ट इसको रफ करें, नेक्स्ट बच्चा देखो, एक पुरस्कार है फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार, तो इसको ऐसे याद रखना, फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार का जो संबंध है वो जो नर्स होती हैं उनसे संबंधित है। क्लियर, ये बहुत सारी नर्सों को दिया जाता है, लेकिन इसमें बस इतना पूछता है कि इस पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्स से। क्लियर, नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, ये जो पुरस्कार है बच्चा इस बार 23 भाषाओं में दिया गया है, कितनी भाषाओं में, 23 भाषाओं में दिया गया है। अगर मैं बात करूं अपने काम का, तो अपने काम का क्या है, इसमें क्या पूछेगा, तो हमसे पूछेगा हिंदी में किसको दिया और अंग्रेजी में किसको दिया, ठीक है। तो बच्चा अंग्रेजी में जो मिला है वो मिला है शशि थरूर को, शशि थरूर जानते हैं आप, शशि थरूर बहुत बड़ा नाम है, शशि थरूर को, तो अंग्रेजी मिला शशि थरूर को। इनकी जो पुस्तक है इन इरा ऑफ डार्कनेस, इन इरा ऑफ डार्कनेस, इस किताब का भी नाम याद रखना, इन इरा ऑफ डार्कनेस,
अंग्रेजी मिला है भाई, हिंदी में जो मिला है नंद किशोर आचार्य को मिला है, नंद किशोर आचार्य। इनकी पुस्तक का नाम है छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, है ना। इनकी रचना क्या है, छीलते हुए अपने को, क्लियर। ये साहित्यकारी पुरस्कार थे जो 23 भाषाओं में दिए गए थे, उनमें से हमें केवल दो महत्वपूर्ण है और बाकी भाषाओं के हमें 21 भाषाओं से हमें कोई मतलब नहीं है, क्लियर। नेपाली भाषा में इस बार किसी को भी नहीं दिया गया था। चलो आगे बात करें बच्चा, तो मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट मिस यूनिवर्स 2019, मिस यूनिवर्स 2019 की बात कर रहा हूँ। इसकी जो विजेता रही है, मतलब मिस यूनिवर्स 2019 जो बनी है, वो कौन बनी है, उसका नाम है जो जी विनी, जो जी विनी, जो जी विनी टुंजी, टा है ये, जोजी विनी टुंजी, जोजी विनी टुंजी, ये दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है, साउथ अफ्रीका की रहने वाली है जोजी विनी टुंजी। और यहाँ पर जो मिस यूनिवर्स में भारतीय नेतृत्व करा था, भारत को रिप्रेजेंट जो करा था, वो करा था वर्तिका सिंह ने, किसने करा था, वर्तिका सिंह, वर्तिका सिंह जो है लखनऊ की रहने वाली है, वर्तिका सिंह कहाँ की रहने वाली है, लखनऊ की रहने वाली है, क्लियर। तो मिस यूनिवर्स हो गया जोजी विनी टुंजी, इसको याद रख लेना, आ सकता है ये जोजी विनी टुंजी, कहाँ की रहने वाली है, दक्षिण अफ्रीका देश की रहने वाली है जोजी विना टुंजी। हम बात करें मिस वर्ल्ड की, मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी 2019 की बात कर रहा हूँ। तो जो विजेता है बच्चा, इसकी विजेता कौन जीती है, इसको कौन जीता है, तो इसका नाम है आपका टॉनी एन सिंह, टॉनी एन सिंह, विजेता कौन है, टॉनी एन सिंह, मिस वर्ल्ड 2019 की। और जो भारतीय, भारत को रिप्रेजेंट करा था, भारतीय नेतृत्व करा था, तो वो करा था बच्चा सुमन राव ने, सुमन राव, सुमन राव राजस्थान की रहने वाली है। और इसकी जो पोजीशन रही है यहाँ पर, सेकंड रनअप रही है, फर्स्ट रनअप नहीं, सेकंड रनअप रही है यहाँ पर, क्लियर। चलो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ पर्सन ऑफ द ईयर, तो क्या बच्चा पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये जो पुरस्कार है ये टाइम्स पत्रिका देती है, कौन देती है बच्चा, टाइम्स पत्रिका, टाइम्स मैगजीन है उसके द्वारा दिया जाता है। और इस बार जो दिया गया है ये ग्रेटा, ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर टाइम्स पत्रिका पुरस्कार है जो किसको दिया गया है, ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। ग्रेटा थनबर्ग जो है स्वीडन की रहने वाली है, ये बहुत बड़ी पर्यावरणविद है, इसके लिए लेक्चर फेमस हुआ था कुछ दिन पहले, तो उस लेक्चर से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा मुझे लग रहा है, बाहर से थोड़ी आवाज़ आ रही है ना, तो थोड़ा वेट कर लो उसको ज़रा, तब तो कुछ बात कर लेते हैं। बात यही है, आप इसके अगर हो सके तो खुद से नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छा है, ये खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, दूसरे के नोट्स अगर आपको मिल जाएँ तो वो उतने हेल्पफुल नहीं होते, अपने नोट्स बनाने का मज़ा अलग ही आता है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्लियर। तो बढ़िया से नोट्स बनाओ, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कवर करा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेवल है वो आपका UPSC और PCS के लेवल का ही मॉडर्न हिस्ट्री में करा रहा हूँ, है ना, तो बहुत स्टैंडर्ड मॉडर्न हिस्ट्री में करा रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी यूट्यूब पर आप देखते हो ना, बहुत सारे पढ़ाने वाले मिलते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आधुनिक भारत को मैं यूट्यूब के इतिहास में इस स्तर तक पढ़ा दूंगा कि आगे से ना शायद कोई इतिहास को पढ़ाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उस स्तर तक मैं इतिहास को पढ़ा दूंगा, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, प्रीलिम्स के हिसाब से। और काफ़ी हद तक मैं अपनी वीडियो में जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका मेंस का भी कवर करा रहा हूँ, है ना, तो मुझे लगता नहीं मेरे पास शायद कोई यूट्यूब पर इतना अच्छे से पढ़ा पाएगा, क्योंकि मैं इतने स्तर तक ले जा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को। तो अगर आप लोग वो वीडियो अगर आप शुरू से स्टार्ट करें ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और A to Z पूरा कवर कराऊंगा उसमें, मतलब भारत की आज़ादी के 1964 जवाहरलाल नेहरू तक मैं उसको पूरा कवर कराऊंगा। तो एक बार आप उसको वीडियो को जरूर नोट्स, अगर आप PCS देने जा रहे हो तो बढ़िया उसको नोट्स तैयार करो, है ना, PCS से कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो वो सफिशियंट है, एक बार पढ़ना होता है, जीवन में कितनी बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ने की बजाय एक बार पढ़ दो तो बहुत अच्छा है ना। नेक्स्ट ये हो गया पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पत्रिका ने ग्रेटा थनबर्ग को दिया था, इसको मिल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलन डी'ओर, तो फुटबॉल के श्रेष्ठ पुरस्कार हैं, फुटबॉल के जो फुटबॉलर जो बैलन डी'ओर पुरस्कार जो 2019 के हैं,
तो ये जो पुरुष को मिला है, पुरुष को जो मिला है बच्चा, पुरुष में मिला है किसको? लियोनेल मेसी को, लियोनेल मेसी को मिला है। महिला में जो मिला है बच्चा, महिला मिला है आपका मैगन, मैगन रैपिनो, मैगन रैपिनो को, ठीक है। ये फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं। तो बैलेंडी और ये पुरुष पुरस्कार है, महिला का बैलेंडी मोर कुछ ऐसे ही है, वो मैगन रैपिनो को मिला है। क्लियर, आप दोनों को याद कर लेना। नेक्स्ट बैडमिंटन महासंघ पुरस्कार 2019, मतलब बैडमिंटन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार जो मिले हैं वो किसको मिले हैं? तो ये चलो याद कर लो, कोई नहीं, बैडमिंटन महासंघ पुरस्कार 2019। तो जो बच्चा पुरुष को मिला है, पुरुष और एक महिला, तो पुरुष और महिला, पुरुष को जो मिला है वो मिला है कैंटो, कैंटो मोमोटा, कैंटो मोमोटा जापान का है ये। और जो महिला में मिला है, महिला मिला हुआंग, हुआंग याकी योग, ये चीन की महिला है। पता नहीं कब इन पुरस्कारों में भारतीयों का नाम भी पढ़ने को मिलेगा, है ना। पिछले कई वर्ष मैं देख रहा हूँ इतनी आसानी से भारतीय नाम नहीं मिला पढ़ने को यहाँ पर, तो बड़ा आसान नहीं है, है ना, इतना आसान नहीं है भारतीयों को यहाँ पर नाम पढ़ पाना। विदेशियों बहुत ज़्यादा, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, सब में विदेशी बहुत आगे हैं। नेक्स्ट बात करें हम वर्ष 2020 की, तो वर्ष 2020 को बच्चा जो UNO वगैरह है उसके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि वर्ष 2020 को पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। पौधों की देखभाल के लिए इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया है UNO द्वारा, पौधों की देखभाल। तो क्या इसका थीम, क्या आधार है? पौधों की देखभाल। क्लियर। नेक्स्ट एक पुस्तक का नाम बता रहा हूँ, आप जिसको नोट कर लो ऐसे ही, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है, तो काफ़ी फेमस हुई है, ठीक है। अब ये मैं आपको काफ़ी महत्वपूर्ण पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको आप बढ़िया से याद करना। क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना, क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच जो है ये USA की रहने वाली है। कहाँ की महिलाएँ? USA की। ये हैं कौन बच्चा? ये अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन है? अंतरिक्ष यात्री है, ये अंतरिक्ष यात्री है, नासा के अंतरिक्ष यात्री है, अमेरिका की रहने वाली। इन्होंने कुल मिलाकर के 328 दिन 328 days ये अंतरिक्ष में रह करके आई हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। एक महिला है अमेरिका की है, वो भी पैगी, पैगी विट्सन, पैगी विट्सन का रिकॉर्ड तोड़ा है। पैगी विट्सन 289 days रह करके आई थी अंतरिक्ष में, लेकिन क्रिस्टीना कोच ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, 328 days रह कर आई है। तो इसका विश्व रिकॉर्ड जो हो गया अंतरिक्ष में रहने का, क्रिस्टीना कोच के नाम हो गया है। क्लियर। अमेरिका की रहने वाली है, USA की रहने वाली हैं, और ये नासा की कौन है? अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, हैंड इन हैंड एक युद्धाभ्यास हुआ था, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास हुआ था। ये भारत और चीन के मध्य हुआ है। किसके मध्य? भारत और चीन के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मेघालय में। कहाँ पर हुआ था? मेघालय, मेघालय में जो स्थल है जहाँ पर हुआ था ये, उमरोई, उमरोई मेघालय में यहाँ पर हुआ था ये। नेक्स्ट है इंद्र 2019। तो बच्चा इंद्र 2019 जो है भारत के और रूस के सेनाओं के मध्य हुआ था, और ये यूपी झांसी में हुआ था, पुणे में हुआ था, और गोवा में हुआ था। इन तीन जगह ये इसका आयोजन हुआ था। किसका? इंद्र 2019 का, भारत रूस के मध्य युद्धाभ्यास था इंद्र 2019। तो अब बच्चा हम बात करेंगे किसकी? खेलकूद की। लास्ट है हमारा खेलकूद, खेलकूद दिसंबर 2019 के हम पीडी मतलब करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं। तो उसमें अब आपको बताऊँ, सबसे पहले जो उसमें महत्वपूर्ण है, सबसे पहले महत्वपूर्ण बच्चा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019-20 की प्रतियोगिता थी। तो ये प्रतियोगिता है आपका टी ट्वेंटी ट्रॉफी है। T20 आप समझते हैं ना, क्रिकेट, T20 मैच संबंधित है। जो फाइनल हुआ था इसके मध्य, तो जो विजेता बना फाइनल में, विजेता कौन जीता इस ट्रॉफी को? तो विजेता रहा बच्चा इसका कर्नाटक। कौन जीता इसको? कर्नाटक। और उप विजेता कौन रहा था? कौन हारा था? तो हारा तमिलनाडु ने, कर्नाटक जीता, तमिलनाडु हार गया, ठीक है। कुलदीप सिंह यादव, आपने नाम, कुलदीप यादव का नाम सुना होगा। कुलदीप यादव ने हाल ही में अभी आपका सेकंड हैट्रिक लगाई है वनडे मैचों में, है ना। तो उसकी दूसरी हैट्रिक है ना, सेकंड हैट्रिक है ODI। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इसने हैट्रिक बनाई थी। क्लियर, चलो आगे बात करें बच्चा।
मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, इतना कोई खास महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी बांग्लादेश इंटरनेशनल चैलेंजर बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी, बांग्लादेश इंटरनेशनल चैलेंजर बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई थी। यहाँ पर जो विजेता है पुरुष एकल के, वो लक्ष्य सेन है। कौन है? लक्ष्य सेन भारत के रहने वाले हैं। और उप विजेता जो है लियोंग जून हाओ, लियोंग जून हाओ मलेशिया का रहने वाला है। ठीक है, इसको देख लेना एक बार ऐसे ही। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ तो आपने नाम सुना होगा आबिद अली, अगर जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं आबिद अली। आबिद अली पाकिस्तान का रहने वाला है और इसकी विशेषता ये है, इसने अपने पहले ही ODI और पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाया है और ये ऐसा करने वाला विश्व का एकमात्र बल्लेबाज है। क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बात करें विश्व रैपिड शतरंज, इसको याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। विश्व रैपिड शतरंज, विश्व रैपिड शतरंज जो है ये आपका चैंपियनशिप है और शतरंज की, इसकी जो विजेता, इसका आयोजन हुआ था मॉस्को में, मॉस्को रूस में इसका आयोजन हुआ था। इसकी जो विजेता है कोनेरू हम्पी, भारतीय है कोनेरू हम्पी। तो आपसे पूछेगा विश्व रैपिड चैंपियनशिप शतरंज किसने जीता था? कोनेरू हम्पी ने जीता है। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण भी है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा यार 13वें दक्षिण एशियाई खेल, एशियाई खेल इसे शॉर्ट में बोलते हैं सैग, SAG सैग, साउथ एशियन गेम्स आपसे पूछ सकता है। तो बच्चा इसका जो आयोजन हुआ था कहाँ पर हुए थे? ये आयोजन हुए थे तीन जगह हुए थे आयोजन का, एक तो हुआ था काठमांडू आप जानते हो नेपाल, दूसरा हुआ था पोखरा और तीसरा हुआ था जनकपुरी। कहाँ? जनकपुरी। और तीनों ही कहाँ पर है बच्चा? तीनों ही नेपाल में है, काठमांडू पोखरा जनकपुरी में इसका आयोजन हुआ था। तीनों ही कहाँ पर है? नेपाल में है। कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था? तो 1 to 10 December इसका आयोजन हुआ था। कुल जो खेल थे यहाँ पर, कुल 26 प्रतियोगिताएँ थे, विभिन्न जो खेलों के प्रकार थे वो 26 थे। क्लियर, इसी में चल रहा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार करना 13वें एशियाई खेल, ये BO में और जो भी अदर एग्जाम है आपके वनडे एग्जाम कोई भी A to Z सब में महत्वपूर्ण है ये वाला, ये पूछा जाएगा हर एग्जाम में लगभग। इसमें जो मार्च पास्ट में ध्वजवाहक समझते हैं ना, जब वो पहला दिन होता है तो सब लोग अपने देश का झंडा लेकर के चलते हैं, मतलब आपके जो अल्फाबेट होते हैं उनके क्रम में चलते हैं। ठीक है, तो जो झंडा लेकर के भारत का सबसे आगे चलता है वो कौन था? तो वो तेजिंदर, कौन थे बच्चा? तेजिंदर सिंह तूर। इन्होंने भारतीय मार्च पास्ट किया था ध्वजवाहक थे यहाँ पर उद्घाटन समारोह में। इसका जो शुभंकर तो आप समझते हो मस्कट, शुभंकर जो है ब्लैक वक्स, ये एक हिरण होता है काला, ब्लैक वक्स इसका मस्कट था। क्लियर। और इसका जो लोगो था बच्चा, लोगो जो था उड़ते हुए कबूतर थे इसका लोगो था। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण इसी में पूछेगा आपसे कि प्रथम स्थान कौन रहा, सेकंड स्थान कौन रहा, थर्ड स्थान कौन रहा था। तो मैं आपको इसमें बता दूँ, रैंक अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट सेकेंड और देन थर्ड। तो फर्स्ट स्थान रहा बच्चा भारत का, सेकेंड स्थान रहा था नेपाल का और थर्ड स्थान रहा था आपका श्रीलंका का। ठीक है, तो 13वें दक्षिण एशियाई गेम में फर्स्ट स्थान, जो प्रथम स्थान है फर्स्ट है भारत, सेकंड नेपाल, थर्ड आपका श्रीलंका। अब यहाँ पर भारत से पूछेगा आपसे, भारत से यहाँ कई सारे पूछेगा गोल्ड कितने मिले भारत को? तो यहाँ पर कुल मिला के 174 गोल्ड मिले थे। सिल्वर कितने मिले? सिल्वर मतलब समझ गए आप, चांदी वो कितने मिले? 93 थे। और कांसा ब्राउनिस जो था वो कितना था आपका? वो 45 थे कांसा। और आपका कुल मिला के टोटल कितना हो गया बच्चा? टोटल हो गया आपका 312। तो या तो पूछेगा आपसे 13वें एशियाई दक्षिण गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 312 मेडल जीते, पदक जीते। पूछे गोल्ड कितने जीते, सिल्वर कितने की जीते और कांसे कितने जीते, तो टोटल पूछेगा या फिर आपको एक एक करके पूछ लेगा। क्लियर। और जो आगामी 14वें, ये 13वें थे, अब जो 14वें गेम होंगे दक्षिण एशियाई सैग जो होंगे वो बच्चा पाकिस्तान 2020 में होंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा खेल वाला, नेक्स्ट ये कंप्लीट हुआ हमारा। एक दो पॉइंट और बता रहा हूँ मैं आपको ऐसे ही, एक आपको याद रखना बन श्री
बंसरी क्या है? तो बंसरी बच्चा एक मुर्गी की प्रजाति है जो हाल ही फिलहाल में अभी विकसित की गई है। इस प्रजाति की विशेषता ये है कि ये अंडे बहुत अच्छे और बढ़िया अंडे देती है और बड़ी मात्रा अधिक मात्रा में अंडे देती है। मतलब एक ही मुर्गी अधिक से बहुत ज़्यादा अंडे देती है। वर्तमान 3-4 मुर्गियाँ होती हैं, उससे ज़्यादा अंडे अकेली बंसरी दे देती है। अब ये हंसने वाली बात है, ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा हो, हंस रहे होगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये PCS में पूछे जाते हैं, है ना। वो लेटेस्ट जो कोई नया आविष्कार होता है, कुछ ऐसा वैज्ञानिक कुछ ऐसा कोई जेनेटिक चेंज करके कोई नई नस्ल पैदा बनाते हैं किसी की जानवर की, तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इसको याद रखना। ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स। तो मैं आपसे बार बार कहूँगा, आप एक बार को ना मॉडर्न हिस्ट्री को जरूर देखो। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम दे जाओ, मॉडर्न हिस्ट्री के बिना काम नहीं चलता, है ना। तो लिंक में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और है ना, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल वगैरह है, जो दोस्त हैं आपके, वीडियो को उसको क्या करो, लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर करवा दीजिएगा। देखो आप लाइक करो ना तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है मुझे भी ना थोड़ा सा, है ना। आप समझ रहे हो मेरी फीलिंग को, जो मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके नवंबर करंट अफेयर्स के साथ। ओके, धन्यवाद, गुड लक।